नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग आज, बतौर अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के आसार, चुनाव की रणनीति भी बनेगी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, जालंधर के भोगपुर में टी ब्रेक के लिए रुके राहुल गांधी, सिक्योरिटी के चलते बदला गया समय। पंजाब को साधेंगे अमित शाह, 29 जनवरी को पटियाला में रैली, राहुल गांधी की यात्रा से डैमेज हो कंट्रोल करेंगे। हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद, 200 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई। अश्वनी चौबे के काफिले में शामिल कार हुए हादसे का शिकार, एक्सीडेंट में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री। लखनऊ के अमीनाबाद स्थित दुकान में लगी आग, आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। हमीरपुर में सड़क पर खड़ी ट्राली टकराई बोलेरो से, हादसे में की मौत, कई लोग घायल। कानपुर में कमिश्नर आवास के पास कुछ ही दूरी पर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। संभल में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर केक काटकर वक्त मची भगदड़, धक्कामुक्की लूटपाट की तस्वीर हुई वायरल। कानपुर में सिपाही के तांडव का वीडियो वायरल, साथियों के साथ सिपाही ने मिलकर की पिटाई, लूट वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका में बाढ़ से तबाही लगानी पड़ी इमरजेंसी, 19 की मौत, 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रूसी हमले में मरने वालों की संख्या 30 हुई, 44 लापता लोगों से बचने की उम्मीद नहीं, पुतिन बोले सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। नेपाल में प्लेन क्रैश, मलबे में 68 शव निकाले गए, 4 लापता, सेना बोली अभी तक हमें कोई जिंदा नहीं मिला। इजराइल में नेतन्याहू के विरोध में उतरे 80,000 लोग, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश का विरोध, पुतिन से कर रहे हैं तुलना। पाकिस्तान पीएम का कबूलनामा, शहबाज शरीफ बोले एटमी ताकत होकर भीख मांगना शर्मनाक, सऊदी यूएई ने बहुत मदद की है। वनडे इतिहास में पहली बार 300 रन की जीत, भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराए, 4 वनडे में विराट का तीसरा शतक। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत इंग्लैंड मैच ड्रॉ, आखिरी मिनट में पेनल्टी कॉर्नर चुका इंग्लैंड, भारत ग्रुप डी में अभी नंबर 2 पर है। तीसरे वनडे में बने 17 बड़े रिकॉर्ड, भारत में विराट के नाम, सचिन से ज्यादा शतक। यूक्रेन की मदद के लिए छोड़ा टेनिस स्वीटलीना, युद्ध प्रेगनेंसी के चलते 10 महीने पहले ही टेनिस से दूर हुई। मलेशिया ओपन 2023, भारत के स्वातिक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल में बाहर हुए। नोरा फतेही ने कराया ग्लैमरस फोटो शूट, लुक देखकर ट्रोलर्स बोले ये मस्ती लेडी गागा दिख रही है। वृंदावन पहुंची हेमा मालिनी, मथुरा के राधा रमण मंदिर में गाए भजन, कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आई। सेल्फी का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, आमने सामने दिखे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी, फरवरी में रिलीज होगी फिल्म। बिग बॉस 16 से बाहर निकलने के बाद स्पॉट हुए अब्दू, मनीष पॉल के साथ आए नजर, गाने से जीता दिल फैंस का।
सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर है तारा, नाक से खून बहता था तो ध्यान हटाने के लिए करते थे एक्टिंग की प्रैक्टिस। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।